लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव एबीवीपी लॉन्ग लिव भारत माता की जय तेरी तन्ना साई नहीं चलेगी नहीं चलेगी जब नवीन प्रवेश छात्र विद्यार्थियों के फॉरम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए महाविद्यालय परिषद द्वारा शुरू किए जाते हैं, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस कॉलेज परिसर में हेल्थ टैक्स के बाबत आते हैं। विद्यार्थी परिषद के नियमित विद्यार्थी छात्र छात्रा जो इस कॉलेज के अंदर रेगुलर एडमिशन लेकर के बैठे हैं, ऐसे कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर हेल्थ टैक्स पर बैठे होते हैं। एक तो कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के मुख्य दायित्ववान कार्यकर्ता है, वो भी उनकी सहायता के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्व कुछ गुंडों के द्वारा मैडम को विद्यार्थी परिषद के खिलाफ पढ़ाया जाता है। मैडम जो शुरू से ही विद्यार्थी परिषद के विचारधारा के विपरीत रही है, जो शुरू से ही आतंकवादी नक्सलवादी जैसी विचारधारा को समर्थन करती आई है, वो कॉलेज प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बाहर धकेलवाने का कार्य करती है। जब इसकी सूचना मेरे को मिलती है, मैं महाविद्यालय परिसर में आता हूँ और मैडम से मिलने जाता हूँ। उस समय मैडम मेरे को बोलती है, पेपर चालू है, मैं बात नहीं कर सकती। 5 मिनट बाद पुनः मैं बात करने जाता हूँ तो वही विषय, उसके वही नाटक, कौन सी एबीवीपी, कौन सा संगठन, किसका संगठन, मेरा क्या लेना देना। अरे मैडम, आप भी तो हिंदू हो, आप भी तो भारत के ही लोग हो, आप कॉलेज चला रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, एबीवीपी के कार्यकर्ता कहाँ काम करते हैं। ये शायद हमें प्राचार्य को सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी मानसिकता, उसकी गुंडागिर्दी मानसिकता, उसकी नक्सलवादी मानसिकता को लेकर के वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है। उस दिन हम विद्यार्थी परिषद के चूंकि कार्यकर्ता है, बड़ा दिल रखते हैं, सोचते हैं आज नहीं तो कल, मैडम बच्चा है कल आ जाएगी। दूसरा दिन वापस कार्यकर्ता यहाँ पर हेल्प डेस्क के रूप में बैठते हैं। जब कार्यकर्ता हेल्प डेस्क पर बैठे होते हैं, उस समय विद्यार्थी परिषद के 3-4 रेगुलर भैया और 3-4 बहन कार्यकर्ता ये उस समय हेल्प डेस्क पर बैठे होते हैं। एक भी नॉन कॉलेज उस समय नहीं होता है, क्योंकि एक दिन पहले ही हमारी भेजामारी हो चुकी थी, हमारा आपस में उलझन हो चुका था, इसलिए हमने निर्णय ले लिया था कि हम नॉन कॉलेजन को नहीं बिठाएंगे। लेकिन मैडम, मैंने पहले साथियों बता दिया है, वो आतंकवादी नस्ल की है, आतंकवादी विचारधारा की है, भ्रष्ट नीतियों की है, तो वो कार्यकर्ता बहनों को ऑफिस परिसर में मिलने बुलाती है। जब बहन कार्यकर्ता, जो तीनों बहन कार्यकर्ता है, वो साइंस फैकल्टी की है और मैडम शायद खुद को महारानी समझती होगी साइंस कैंपस की, उसने 3 कार्यकर्ताओं को, बहन कार्यकर्ताओं को अंदर मिलने बुलाया। जब कार्यकर्ता बहन कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे, मैडम का पहला सवाल, ये जो छात्र आपको दिख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, ये आपको होटलों में लेके जाएंगे। अरे मैडम, आज दिन तक विद्यार्थी परिषद 6 साल से यहाँ काम कर रही है, 6 साल से लगातार चुनाव जीते हैं, काम तो पता नहीं मेरे कितने पीढ़ियों ने कर दी है, आज दिन तक ऐसा कंप्लेन आया क्या? गलत तो आप हो, आपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पूरे में भी साइंस की बहनों को तैयार करके केस लगाने का, रेप केस लगाने का कार्य किया है। आप ही इतना समझते तो आप ही बाहर आके कार्यकर्ताओं को समझा लेते। उसके बाद में मैडम को उनसे धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भेज दूंगी, तुम धंधा करती हो, ऐसे कामों में तुमको उलझा दूंगी। मैडम सोचो, ये शिक्षा का मंदिर है, आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, धंधा और बैन, क्योंकि ये सब तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद जब बहन कार्यकर्ताओं को हरेसमेंट करके बाहर भेजा जाता है, तो मैं बहन कार्यकर्ताओं को मिलने परिसर में आता हूँ। मैंने बहन कार्यकर्ताओं को पूछा, आपको कहाँ दिक्कत आई? उन्होंने बोला, भैया आपके बारे में ऐसे ऐसे कमिटमेंट आए हैं, और उन्होंने बोला है
कि अगर आप विद्यार्थी परिषद में काम करोगी तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आपको कॉलेज से रेस्टिकेट करके पुलिस द्वारा आपके ऊपर एफआईआर करके रेप केस में अंदर डाला जाएगा।